और रिएक्शन ऑफ मैटर्स, रिएक्शन ऑफ मैटर्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मैटर में ये देखते हैं, लाइक मैंने अभी आपको बताया सोडियम क्लोरीन से मिलके एक कंपाउंड बना रहा है सोडियम क्लोराइड। अब मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा दिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है आपके पास, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। ये जो चेंजिंग्स आ रहे हैं हम किस में पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मैटर में। क्या इधर आपने जब दो डिफरेंट मैटर्स को आपस में कंबाइन करवाया है, रिएक्ट करवाया, उसके नतीजे में आपको जो न्यू कंपाउंड मिल रहा है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, रिएक्शन ऑफ मैटर में। सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारी डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में, सिंपल एक हम कपड़े जो पहन रहे हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से बन रहा है, कपड़ों पे किस तरह से डाइंग हो रही है, कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, या मेडिसिन जो हम लेते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ओवर द सेंचुरीज केमिस्ट्री हैज अंडरगॉन रिमार्केबल प्रोग्रेस एंड दिस टाइम पीरियड इज डिवाइडेड इन टू 4 पीरियड। आप जब सेंचुरीज में चले जाएँ, पिछले इरास में चले जाएँ, आपने देखा होगा केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की की या बहुत जल्दी ऊपर आई, ठीक है। इसमें 4 पीरियड्स आते हैं आपके पास, नंबर 1 इज़ ग्रीक पीरियड, नंबर 2 इज़ द रोमन पीरियड, नंबर 3 इज़ द मुस्लिम पीरियड एंड द नंबर 4 इज़ द मॉडर्न पीरियड। नंबर 1 इज़ द ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 मेन साइंटिस्ट आपके पास आते हैं, प्लेटो, अरिस्टॉटल एंड डेमोस्थेनेस, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट आपके पास आते हैं, इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स, एटम एंड केमिकल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने कहा था कि जो मैटर है उसके 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर,